नमस्कार, आप देख रहे हैं इस समय खबर 22। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर दालकोला म्युनिसिपैलिटी के 16 वार्डों का चुनाव आगामी 27 फरवरी को होने जा रही है। बताते चले कि इसी बीच दालकोला म्युनिसिपैलिटी क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 के टीएमसी उम्मीदवार रेजा अली खान का मोटरसाइकिल रैली शाम 4 बजे पार्टी ऑफिस से NH-31 के निकट से निकाला गया, जिसमें उनके चाहने वाले की काफी भीड़ नजर आई। उनके चाहने वाले मोटरसाइकिल, चार चक्का, टोटो आदि लेकर काफी संख्या में शामिल हुए। ये रैली पार्टी ऑफिस से निकलकर वार्ड संख्या 14 के उन सभी क्षेत्र तक गया जहां उनके चाहने वाले उनका इस्तकबाल करने के लिए खड़े थे। आगे बताते चले कि मोटरसाइकिल रैली वापस पार्टी ऑफिस पहुंचकर मोटरों के बीच उनके बड़े बेटे तारिक अनवर ने अपने क्षेत्रवासियों को 27 फरवरी को भारी से भारी संख्या में वोट करने की अपील की। तत्पश्चात उन्होंने कहा कि इस बार भी पहले की तरह वार्डवासी मेरे पिता को भारी मतों से विजय बनाएंगे। आज शाम को आपने काफी संख्या में मोटरसाइकिल रैली निकाले हैं, ये समर्थक सब आप? नहीं, सारे समर्थक हैं, सपोर्टर हैं, वेल विशर हैं, राइट सी बात। आप 16 वार्डों में आपका टीएमसी लड़ रहा है, यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि आप कितना सीट निकाल के आ रहे हैं? हमें तो लग रहा है कि 16 का 16 ही आएगा जैसा फीडबैक मिल रहा है, तो ये इलेक्शन जो है दीदी को देख के ही हो रहा है। दीदी जो अपने अपने कैंडिडेट उतारे हैं तो देख सोच समझ के ही उतारी है, अपने जैसा उनका सोच है वैसा ही सोच उनके कैंडिडेट्स का भी है। वार्ड नंबर 14 में टीएमसी के उम्मीदवार के तौर पर जो लड़ रहे हैं अली रजा खान, वो आपके रिश्ते में क्या लगता है? फादर, आप जब जीत के आएंगे तो पब्लिक के लिए क्या करेंगे, क्या कार्य करेंगे? जो काम 80% ऑलमोस्ट डन है हमारे वार्ड में काम, रोड से लेकर सारी चीज़ें, लेकिन अभी जो है पानी वाला समस्या है, ड्रिंकिंग वाटर, तो पाइपलाइन अभी हो चुका है और एक साल के भीतर जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लोग पानी पी पाएंगे शुद्ध पानी। क्या आप जीतने के बाद चेयरमैन का दावेदार? ये तो जनता और पार्टी हाईकमान डिसाइड करेंगे, ये हम और कोई कैसे डिसाइड कर सकते हैं। पार्टी जो डिसीजन ले, पार्टी जिनको अच्छा समझे किसी को भी बना सकते हैं। आपके फादर अली रजा खान पिछले 5 साल में वाइस चेयरमैन रहे, आप तो 16 वार्डों में तो विकास किए होंगे? इनके कार्यकाल में जो है 400 विडो पेंशन हुआ है, विडो प्लस ओल्ड एज 400 जी। मैं बताना चाहूँगा कि 400 लोगों का इन्होंने अपने इसमें कराया है, जिसके बैंक अकाउंट में हर महीने 1000 रुपये मिल आता है ना, तो अगर इसको साल में लेके जाइएगा तो 48 लाख रुपये हमारे वार्ड में, सिर्फ हमारे वार्ड में इतना रुपये घुस रहा है एक साल में। ये सारा मेहनत जो है अली रजा खान साहब का ही है मेहनत, बाकी जो डिजर्विंग करते हैं सबका किया गया है। और एक उपलब्धि तो मैं ये गिनवा रहा हूँ, और भी बहुत सारा, रोड कुछ भी नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी 0 था, अभी हर घर पे इलेक्ट्रिसिटी है, रोड ऑलमोस्ट सारा जितना पुराना रोड था सारा कंप्लीट है, कहीं कहीं नया गांव बसने के कारण नहीं हो पाया है या उस गाँव तक जाने के लिए रास्ता नहीं था, ज़मीन नहीं था, तो उसको कहीं कहीं अभी क्लियर हुआ है, तो वो रास्ता भी जो है ढलाई या फिर पिच हो जाएगा इस टेन्योर में। पाइपलाइन का भी समस्या इस टेन्योर में, मतलब पानी का समस्या, पीने वाला पानी का भी दूर हो जाएगा और आपका ड्रेनेज सिस्टम भी इंशाल्लाह हो जाएगा। उसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि हमारा और एक मोटिव है एक हाई स्कूल का, क्योंकि यहाँ सुरजापुर भी 5-6 किलोमीटर है और दालकोला भी, तो हमारे जस्ट अभी हम जहाँ खड़े हैं इसके जस्ट हमारे पीछे जो हाईवे है उसके पीछे फील्ड है, उसके बगल में जो है हम लोगों का खानदान का ज़मीन है और प्लस आदिवासी का कब्जा है, तो दोनों लोगों से आदिवासी से बात चल रही है, ऑलमोस्ट हो गया है सॉर्ट आउट, तो इधर हम लोग इंशाल्लाह ताला हाई स्कूल का काम करवाएंगे और पूरब साइड में भी जो है प्राइमरी स्कूल, एक हम लोग चाह रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल हो, ताकि जो है पश्चिम साइड में प्राइमरी स्कूल हो, ताकि पश्चिम साइड वाले जो भी बच्चे हैं उनको दिक्कत नहीं हो स्कूल प्राइमरी एजुकेशन लेने में, और रिस्क भी है इस पार से उस पार जाने में, रिस्क भी है, कई बार घटना भी हो चुका है, यही हम लोग चाह रहे हैं। और काफ़ी लोगों को घर भी मिल चुका है, और जिनको नहीं मिला है उनको मैं यही बताना चाहूँगा कि इस टेन्योर में उनको मिले। अली रजा खान कैंडिडेट जो है हमारे पिताजी हैं,
अली रजा खान साहब। जैसे कि आप अभी क्वेश्चन कर रहे थे कि तारिक खान से, जो कि अली रजा सिद्दीक जो है कैंडिडेट, उनके जो फादर हैं, आपने अभी बहुत अच्छे क्वेश्चन किए थे इनको कि इतने जो आपने जो वाइस चेयरमैन मेरा और आपने क्या किया। जैसे तारिक ने बताया कि आज जो ये भीड़ है ये बेशक से कि ये काम करने का नतीजा है, इसने इतने अच्छे काम किया है कि पब्लिक खुद ही, ये सिर्फ चुपचाप मैंने आज देखा, क्योंकि मैं यहाँ का वोटर नहीं हूँ, मैं इनके दोस्त में से हूँ, मैं आया तो लोग खुद ही घर से, हर महिला हर बूढ़े बुजुर्ग उनके, जबकि इनके फादर ने काम किया लेकिन इसके बेटे को सलाम मार रहा है, तो इसको तो मैं तो आगामी इसको बधाई देता हूँ जीतने की, और इतना अच्छा काम कर रहा है। मुझे फख्र हो रहा है कि अली रजा साहब ने अपने वार्ड में जो वाइस चेयरमैन रहते हुए और इतने काम किया, तो मुझे इसका बहुत ज़्यादा फख्र है। अली रजा को मैं इसको दिली मुबारकबाद देता हूँ। नंबर वार्ड का जितना भी है पॉलिटिक्स बहुत दिन पहले से हो रहा है, बहुत जमाना पहले से हो रहा है, हमारा जो अली रजा खान साहब जो काम किए हैं सबका टोटली, यानी कि ए से लेकर जेड तक गिनिएगा, वृद्धा पेंशन से लेकर यूट्यूब तक जितना जो कुछ नहीं हुआ सब कुछ करके दिया है वो, और सब रास्ता घाट ये लाइट ये सुविधा ये सब कुछ जो देख रहे हैं उसी का देन है। फादर जो पिछले 5 साल से या लंबे समय से आपका राजनीतिक में उतरे हैं, क्या इसके बाद जो आगामी 27 फरवरी को जो चुनाव होने वाला है इसमें आपको क्या उम्मीद लग रहा है, वो निकाल पाएंगे या फिर क्या? जी आप तो आप देख ही चुके हैं, जो ये दर्शक नहीं है हमारे जनता है, तो उस हिसाब से जो है आए हुए ये वर्कर हुए, आप ये वर्कर से ही समझ सकते हैं जो हमने की जीत है, और 100% उम्मीद रखते हैं जनता से जो इंशाल्लाह जीत होगी। 27 तारीख को आप सबसे अपील है, जो 27 तारीख जो आने वाली है उसमें एक नंबर बटन में वोट डाल करके विजय करें। नौजवान बुरा बुजुर्ग जो भीड़ देख रहे हैं, आने वाले 27 फरवरी में हमारा इलेक्शन है, और हमें उम्मीद है कि ये हमारे पौरसभा में 100% जीत होने की उम्मीद रखे हैं, और मैं जहाँ तक कहूँगा कि हमारा पौरसभा में जो सामने 27 तारीख को जो इलेक्शन है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमारा 100 का 100 जीत होगी। चलिए बहुत बहुत